दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने क्षेत्र में जीतना चाहता है, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो आपके बहुत ही अलग अच्छा फील होता है। लेकिन अधिक बेहतर लोग यही नहीं जानते हैं कि जीवन में कैसे जीता जाता है। जैसे कि आपने जानते हैं कि जीतने के लिए लाइफ में कुछ रूल और नियम होती है, उसे फॉलो कर आराम से जीता जा सकता है। आप सोचते होंगे कि कैसे यह जीत जा सकती है, कि कहीं ना कहीं मिस हो जाने के कारण आप वो खेल में या क्षेत्र में हार जाते हो। चाहे बिजनेस हो या पढ़ाई के क्षेत्र हो या खेल की दुनिया हो, किसी भी क्षेत्र में आपको पहले उस रूल को पता करना चाहिए और उस पर स्टेप बाय स्टेप चलने से ही आपकी जीत आपके मुकाम हासिल कर सकता है। सबसे पहले कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आपने जानते हैं कि जीतने के लिए सबसे पहला रूल है कि अपना खुद का विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोफेशनल विजन ही आपके जीवन को जीत के लिए एक जीवन की आपको सभी क्षेत्रों के कार्य करने के लिए प्रभावित करती है। दोस्तों, अपने विजन ही क्लियर नहीं हुआ है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है तो आप कभी किसी भी क्षेत्र में नहीं जी सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो गोल बनाता है, गोल बनाकर उस पर टारगेट लगाता है, इच्छित पाता है। जैसे कि आपने बहुत सारे प्लेयर का नाम सुना, हाल ही फिलहाल में ओलंपिक में आपका जीता जाता उदाहरण नीरज चोपड़ा, उनका एक ही फोकस और एक ही गोल था जिससे वो भाला फेंकने में वो अपने लाइफ में अचीव किया। जैसे कि आपने दूसरे का गोल के बारे में जाने कि दूसरे का रूल क्या कहता है। दूसरे का रूल आपको कहता है कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जैसे कि आपने विनम्रता से रहा, धैर्य बनाकर रहा, तो भगवान श्री राम की तरह भी किसी भी परिस्थिति में विनम्र रहना। जैसे कि आपने देखा होगा कि भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास होने के बाद भी वो किसी तरह की कठिनाइयों को सामना करते हुए विनम्रता धैर्य के बाद की दौलत वह आगे बढ़ते गए। जैसे कि आपने श्री भगवान के साथ में देखा होगा कि कितनी विनम्रता से बात करते थे, यही कारण है कि भगवान श्री राम ने हर जगह जीत हासिल किया था। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में आपको जीतना है तो आपकी विनम्रता जरूरी है। किसी के प्रति आपको विनम्रता हो, किसी से वह बात करते थे तो गुस्से या एंग्री होकर नहीं करते हैं, ये इसी कारण है कि हर क्षेत्र में होता है। या आप सुने होंगे कि कई बार घमंडी व्यक्ति के हाथों से आई हुई सफलता चली जाती है। जीवन में किसी भी मोड़ पर जीत हासिल नहीं हो पाता है, इसी कारण है कि जब भी आपको सफलता चाहिए उसके पहले विमर्शता है। जैसे कि आपने जान गया जीतने के लिए चौथा कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना। जैसे कि आपने बहुत लोग सोचते हैं कि आरामदायक जिंदगी जी सके मिलेगा तभी वो काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी असफल व्यक्ति हुए वो रातों रात में सफल नहीं हुए, कई रातों की कठिन परिश्रम से वो एक रात में सफल हुए, तो उनके पीछे कई रातों की परिश्रम ही। जैसे कि आपने अगर दोस्तों आपने जीतना चाहते हैं कम्फर्ट जोन को छोड़ा उतना ही सही है। जैसे कि विकास कम्फर्ट जोन से बाहर आने की ग्रोथ ही हासिल कर सकता है, इसलिए कि दोस्त आपने भी जानते हैं कि सफलता को अपने कदम चुमें तो कम्फर्ट आरामदायक जोन से बाहर निकल लेता है। एक किसान को देखते हैं कि वह हर परिस्थितियों में धूप हो या गर्मी हो या बरसात हो उसमें हर क्षेत्र में भी मैंने। चौथा पॉइंट है कि सीखते लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो देखे होंगे एक छोटा सा बालक को लगातार सीखते हुए आजमल, कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी गेमर हो, वो बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको भी हर क्षेत्र में जो क्षेत्र से जो फील्ड से हम उसके प्रति सीखना चाहिए। अक्सर लाइफ में वही जीतता है जो कि समय के साथ अपडेट रहता है। जैसे कि आप जीता जाता उदाहरण ले लीजिए कि मोबाइल में हमेशा अपडेट क्यों आता है, क्योंकि उसमें कोई फीचर आता है जिसे हमेशा अपडेट देता है। जैसे कि समय के साथ बदलते हुए दुनिया के साथ ये मोबाइल भी अपने हमेशा कुछ ना कुछ
उसमें बदलाव करता है, जिसमें चेंजिंग करता है, उसी से मोबाइल के लिए जिस तरह अपडेट जरूरी है उसी तरह हमारे लाइफ में भी अपडेट जरूरी है। जैसे कि जीतने के लिए छह नियमों को तो आपने सीखा, जीवन में जितने भी नियम हैं तो वे उसको फॉलो कर आप अच्छे बुक पढ़ सकते हैं। महान व्यक्ति की कहानियाँ, उनकी लाइफ में स्ट्रगल किस तरह किया है वो समझ सकते हैं। जैसे कंपेयर योर सेल्फ योर ओल्ड यू, जीवन में सफल होने के लिए, तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए अपने को पुराने की तुलना कीजिए और आप पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आप तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करना सबसे बड़ा पाप है। खुद से तुलना करना बहुत ही अच्छा है और खुद से कीजिएगा तो बेहतर, पिछले से कितने बेहतर है। जैसे कि आपने पहले ही एक्टिव रहा, क्योंकि आपने बेहतर बनाने के लिए लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। नेवर क्विट योर गिव आर गोल, अपने लक्ष्य को कभी पीछे ना हटे, क्योंकि यह सबसे बड़ी गुण है। लाइफ में सक्सेस या बीन रूल को जरूर लागू करें। दोस्तों की चलिए हम छः पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको विमर्शता, खुद पर विजन क्लियर होना चाहिए। दूसर का जो है कि आप एक्सप्लोर, अच्छे लोगों से बात करें और जीतने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकले। छठा है कि आप कैसे बाहर निकले। ये सब आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में एक बहुत भूमिका रहती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आज के रूल के बारे में कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आपके लिए लेकर आऊँगा अच्छे अच्छे स्टोरियाँ और अच्छे अच्छे सफलता की राह।